So मेरे ख्याल से तब क्वेश्चन नंबर 5 तो समझ पाई है बहुत. So now we are starting with the question number 6. This is one of the most important question. क्यों? क्योंकि ये जो question number 6 है, ये एक light concept question है जो आप 10th में physics में पढ़ोगे, light का chapter, जिसमें आता है law of reflection. उसका एक छोटा सा concept है वो मैं यही बता दूँगा, वो आपको clear हो जाए. तो before I start, I'm going to draw the drawing. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो नाउ प्लीज पे अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ये दो मिरर्स हैं जो कि पैरेलली पुट अप किए गए हैं, ठीक है? और ये है हमारी आर एस, ये है हमारी पी क्यू. अब हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर जो क्वेश्चन पर दे रखा है, एक लाइट जा रही है इस तरीके से, ये इसको टकरा रही है यहाँ पर पॉइंट ए से जाके पॉइंट बी पर, फिर ये नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, ये सी और डी. समझ में आ रहा है यहाँ? ये तो क्वेश्चन है ना, समझ में नहीं आ रहा. ये लाइट गई यहाँ से, टकराई यहाँ आई, टकराई यहाँ से, टकरा रही है. व्हाट? रिफ्लेक्शन. एन इंसिडेंट रे, ए बी इज एन इंसिडेंट रे, स्ट्राइक्स द पी क्यू मिरर एंड रिफ्लेक्टेड उतना अलोंग बी सी एंड देन अगेन रिफ्लेक्ट्स अलोंग आर एस सी डी, ठीक है? प्रूव दैट, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये आपको क्या करना है? प्रूव करना. अब देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे. सबसे पहले तुमको ये बात बतानी चाहिए कि जब भी रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं, जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है? टकरा रहा है इस पॉइंट पर, टकरा रहा है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रे खींचते हैं. कोई भी देखो लाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ये एक सरफेस है, कोई लाइट आई यहाँ टकराई, ये ऐसे जाती है और इस कॉन्सेप्ट को कवर करना थोड़ा सा, और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल. ये हमारी इंसिडेंट है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड है, ठीक है? और ये जो हमारा एंगल होते हैं, ये आई और आर होते हैं, तो ये एंगल दोनों कितने होते हैं? इक्वल होते हैं. जिस एंगल से टकराता है उसी एंगल से बाहर निकलता है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आया? क्या नहीं आया? बोलो. ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब जो जा रही सरफेस की तरफ, तो ये सरफेस की तरफ गई, इस पॉइंट पर टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई. अब ये नॉर्मल बनाया तुमने इस पॉइंट पर, अब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज बिटवीन नॉर्मल और इस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस एंगल से टकराया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जिस एंगल से चला गया. तो जो टकराया है एंगल और जो गया है वो इक्वल होते हैं. अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ और यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, उसको कहते हैं नॉर्मल. तो ये वाला जो एंगल है 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है? इस पॉइंट के लिए, फॉर दिस पॉइंट, एंगल 1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड 2 इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फिर इस पॉइंट के लिए एंगल 3 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल 4 इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इतनी बात समझ में आ रही है क्या? पर मैं यहां क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फिजिक्स बोलती है 1 एंड 2 क्या है? बराबर. 1 एंड 2 क्या है? बराबर. और 3 एंड 4 भी क्या होंगे? बराबर. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर मैंने ये प्रूव कर दिया क्या कि, अच्छा इसके अंदर क्या है, ये बी एन इज पैरेलल टू, ये जो मैंने बनाया है बी एन डैश इज पैरेलल टू सी एन, ये और ये दोनों पैरेलल है ना? और मुझे प्रूव क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों क्या है? पैरेलल. अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये दोनों पैरेलल है, ध्यान से सुनना इस बात को, उसको प्लीज थोड़ा सा हाईलाइट करो.
ये जो AP और CD है ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है BC। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ये टोटल एंगल इज इक्वल टू टोटल एंगल है तो मैं कहूंगा बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसी, भाई मैं कहता हूँ कोई दो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। इसका रिवर्स बोलो, अगर कोई दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब पैरेलल होंगे, वाइस वर्सा पैरेलल है तभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो मैं अगर ये दिखा दूं कि ये दोनों का एंगल इक्वल है ये दोनों, तो मैं क्या बोलूंगा AB इज पैरेलल टू CD। आप कैसे कहेंगे देखो, ठीक है तो इतना तो समझ में आ गया। तो ये जो BN डैश है इट इज पैरेलल टू CN, ये बात तो आप लोगों को समझ में आएगी क्योंकि ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री है। अब ये दोनों तो पैरेलल ही है ना, इस पैरेलल का BC कौन है, ट्रांसवर्सल है, BC इज ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब मैं कर देता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 कर सकता हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो है ना। तो एंगल 2 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा एंगल एबीसी। इस एंगल का ट्वाइस करोगे तो क्या आएगा, बीसीडी। बोलो भैया समझ में आया नहीं आया, ट्वाइस का समझ में आया भाई, एक तरीके से बाइसेक्टर है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो इसका मैं ट्वाइस करूंगा तो ये कितना एंगल आ जाएगा, इसका ट्वाइस करूंगा तो इसका, जब ये इसका इक्वल है तो दोनों ये भी इक्वल होंगे। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, सो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, हेंस। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ये एंगल बराबर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, और फिर क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो 2 और 3 इक्वल हो गए, दोनों का ट्वाइस कर लो तो ये इसका। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। Full exercise has been completed in the last 2 modules and we will be completing next exercise in the next module. So be tuned, share with your friends, it will help you in various steps. So thank you so much.